Hi, this is Manisha Singh. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well and good and आपकी preparations भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी. तो friends, आज का video होने वाला है बहुत खास. आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी. ये खुशखबरी उन candidates के लिए होने वाला है जिन्होंने BSF Constable Tradesman Recruitment 2023 की form apply की थी और physical में भी appear हो चुके हैं. तो friends, जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ. फ्रेंड्स, यहाँ पे सीट का ना इंक्रीमेंट हुआ है. पहले जहाँ 1284 सीट्स पे ये वैकेंसी आई थी उसको इंक्रीज कर दिया गया है. बहुत सारे कैंडिडेट्स तो ये सोच के ही फॉर्म अप्लाई नहीं किए होंगे कि इतना कम सीट है, क्या फॉर्म अप्लाई करना. इसलिए जब भी कोई फॉर्म आता है तो आपको बताती हूँ मैं कि आप फॉर्म अप्लाई कर दो, सीट्स नहीं देखना है. हमें तो एक सीट से मतलब है ना. और नोटिस में साफ साफ लिखा रहता है कि बाद में जो है आपका वैकेंसी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है. तो देखो यहाँ पर आप लोग फाइनली इंक्रीज होके आ चुका है हम सभी के बीच. वो जो सीट्स आपका पहले 1284 था, अब बढ़ा के उसको 2041 कर दिया गया. मतलब कि 800 सीट बहुत मायने रखता है. जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है. और फ्रेंड्स, यहाँ पे अब कंपटीशन भी कम होगा क्योंकि कंपटीशन सिर्फ उन्हीं बच्चों के बीच में होगा जो फिजिकल में अपीयर हो चुके हैं. सो कंपटीशन लेवल भी कम रहेगा, सीट भी बढ़ गया, तो खुशखबरी है ना बहुत बड़ी सी. तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में मैं बताने वाली हूँ कि किस पोस्ट के लिए कितने सीट का क्या इंक्रीमेंट हुआ है. एग्ज़ाम अभी हुआ नहीं है तो कब तक होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, आपको सैलरी क्या मिलेगी, सारा कुछ आपको कंप्लीट डिटेल वे में बताने वाली हूँ. तो अगर आपने भी फिजिकल में आप अपीयर हो चुके हो तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना. तो चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट करते हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पहले ही बता दिया है कि पहले आपका 1284 सीट्स था, अब 2041 सीट रहने वाला है. तो आइए ट्रेड वाइज हम लोग देख लेते हैं सीट का क्या इंक्रीमेंट हुआ है. कुक का जो आपका पोस्ट है उसके लिए पहले आपका 480 सीट्स था, बट अभी आपको 713 सीट्स हो गया है. वाटर कैरियर का 294 सीट था, अब 424 हो गया. वाशरमैन का 132 सीट था, अब 268 हो गया. बार्बर के लिए 60 सीट था, अब 128 हो गया. स्वीपर के लिए 277 था एंड आपको अब उसका 411 हो चुका है. कॉबलर के लिए 23 था, अब 58 है. टेलर के लिए 13 था, अब 30 है. वेटर के लिए कोई सीट नहीं था, बट अब यहाँ पे 9 सीट आपको वेटर के लिए भी आ चुका है. तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि अभी एग्ज़ाम तो हुआ नहीं था इसका, अभी बस फिजिकल हुआ था. तो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए. 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, 100 मार्क्स के लिए 2 आवर्स में आपका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा. नो निगेटिव मार्किंग आपका रहने वाला है यहाँ पे. जीके जीएस का 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, मैथ्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए एंड आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों में से जो आप चूज करते हो उसका 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए. ओवरऑल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए 2 आवर्स का पेपर रहेगा और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है. तो अगर आपको लगता है कि हाँ ये आंसर मुझे आ रहा है तो आप वहाँ पर चांस ले सकते हो, टिक मार सकते हो, कोई भी मार्क्स नहीं उसका आपको डिडक्ट किया जाएगा. तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने एग्ज़ाम की पैटर्न आपको बता दी, पर एग्ज़ाम कब होगा. फ्रेंड्स, आप लोग निश्चिंत रहो, बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा. एक्सपेक्टेशन ये है कि आपका सितंबर 2023 में ना ये पेपर कंडक्ट करा ही लिया जाएगा. एग्ज़ाम टाइप आप सोच रहे होंगे ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा. तो फ्रेंड्स, अभी तक जितना भी आप प्रीवियस ईयर का देखोगे ना ऑफलाइन ही हुआ है और मोस्टली हर डिफेंस एग्जाम में आपका ऑफलाइन ही पेपर होता है. तो ये भी आपका ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड ही पेपर होगा. फिजिकल पास कितने कैंडिडेट्स के बीच में ये कंपटीशन होने वाला है. तो फ्रेंड्स, आप ये मान के चलो कि जो फिजिकल में अपीयर हुए थे ना, टोटल आपको 2.5 लाख टू 3 लाख के बीच में वो बच्चे जिनके बीच में ये कंपटीशन होने वाला है.
और सिलेक्शन प्रोसेस में जैसे आपको पता हुआ कि फिजिकल होता है तो वो तो आपको मई में ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद रिटेन टेस्ट होता है जो कि सितंबर तक हो जाएगा, देन आपका डीवी होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, फिर आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगी। तो ज्वाइनिंग लेटर मिलते ही आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन हैंड सैलरी क्या मिलेगा, तो लो मैं आपको बता देती हूँ, आपको यहाँ पे लेवल 3 की सैलरी मिलेगी। 21,700 टू 69,100 के बीच में ये सैलरी रहने वाला है। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया में रहेगा। और आपको ट्रेड टेस्ट के लिए कितने बच्चों का रिजल्ट आएगा तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि 8 गुना बच्चों का यहाँ पे रिजल्ट आएगा, मतलब कि 2041 × 8 यानी 16,328 बच्चों का यहाँ पे रिजल्ट आने वाला है ट्रेड टेस्ट के लिए। उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा। सो आई होप कि मैंने आपको जो भी डिटेल बताए हैं बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2023 के लिए, आप उसको अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर समझने में कोई दिक्कत है फ्रेंड्स तो आप जरूर आके कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अदरवाइज ज़्यादा डिटेल में आप जानना चाहते हो तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके एक बार नोटिस को अच्छे से पढ़ लेना, और मैं इस नोटिस को अपने टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट कर दूंगी। और अगर आप ज्यादा कनेक्ट होना चाहते हो मुझसे तो मेरा इंस्टाग्राम है, फेसबुक पेज है, टेलीग्राम है, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाओ आप वहां पे भी मुझे फॉलो कर लो। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलूंगे आपसे फिर से किसी न्यू जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।